एसटीएफ को टीम को आज सूचना प्राप्त हुई थी कि घुमंतू जनजाति की ये जो गैंग है जो हाईवे पर लूटपाट करता है और दुष्कर्म की घटनाएं भी करता है वो सक्रिय है। सूचना को विकसित करके नौझील मथुरा की पुलिस को सूचना दी गई और उनकी संयुक्त टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश को गोली लगी और तीन बदमाश भागने में सफल रहे। जो गंभीर अवस्था में बदमाश को अस्पताल ले जाया गया था जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। घायल बदमाश की पहचान अनिल मिश्रा के रूप में हुई है जिस पर मथुरा से 1,00,000 रुपये का रिवार्ड, पलवल से 50,000 रुपये का रिवार्ड और अलीगढ़ से 50,000 रुपये का रिवार्ड घोषित हो रखा था। और यह लूट डकैती के साथ दुष्कर्म के लगभग 8 या 9 मुकदमों में यह वांछित चल रहा था।